थैंकफुली माय ब्रदर वाज अ म्यूजिशियन, तो वो इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं भी कॉलेज में थी कनेड में, तो मैंने उसको ज़रा साथ मिलाया, क्योंकि वो एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में तो रह रही थी बिल्कुल मैं, बिल्कुल. और मुझे भाई से डर भी लगता था क्योंकि वो कंजर्वेटिव था। वो कंजर्वेटिव होना नहीं चाहता था, लेकिन वो कंजर्वेटिव था बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर्स दैट द ही वॉज सराउंडिंग इन टू। बिल्कुल. हाँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे मर्द अंदर से ब्रॉड माइंडेड होते भी हैं अपनी बहनों के लिए, माँ के लिए, बीवी के लिए, लेकिन कई दफ़ा उनका सोशल सिस्टम ऐसा होता है कि वो उसको कोप अप नहीं कर पाते और उनको फेस नहीं करना चाहते, तो वो खुद फिर अपने बैरियर्स बनाना शुरू कर देते हैं अपनी फैमिली के लिए, और उनकी उस तरह से फिर कंडीशनिंग होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल. दे डोंट वॉन्ट टू, उनकी बट ब्रॉड समटाइम माइंडेडनेस की भी एक लिमिट होती है. लिमिट होती है, हाँ हाँ और वो हाँ उस लिमिट के अंदर वो बाउंड हो जाते हैं। और वो तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने कोशिश करके मैंने वो स्टेप, बेबी स्टेप्स लेना शुरू किए, कि मैं बिल्कुल. आहिस्ता आहिस्ता लाला को थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड करने की कोशिश करती हूँ। वो है तो नहीं, रिजिड है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ, क्योंकि यूईटी के अंदर उसके फ्रेंड्स ना कहें हाय इसकी बहन तो सिंगर है, ये है वो, बिल्कुल. तो एक शर्म की बात थी 90s के अंदर कि कोई फीमेल जो है वो अब ये कह दे कि मैं सिंगर हूँ। वाइटल साइंस का ज़माना था. वाइटल साइंस का ज़माना था, हाँ, अली हैदर का अली ज़माना हैदर था, का ज़माना था, पुरानी जीन्स ठीक है का ना, ज़माना. पुरानी जीन्स का ज़माना हाँ था, उसमें वो सारे वो लोग थे, वो लेजेंड्स थे, और वो उस टाइम मैं एंटर हो रही थी उसमें। लेकिन वो एक चीज़ फेस करने वाली थी कि नहीं लाला, दिस इज़ समथिंग आई एक्चुअली वॉन्ट टू डू एंड दिस इज़ वेयर आई बिलोंग। एब्सोल्युटली. मैंने, अच्छा तुम्हारे पास क्या है, करना क्या है, लोगों गाने गाने, नहीं अपने अपने गाऊंगी, गाने. तो फिर ठीक है देखो। फिर मैंने ये फोर्स्ड नहीं था, आई जस्ट केम अप विद द मेलोडी एंड द लिरिक्स एकदम से साथ ही, जीवन की राह में, खुशबू की चाह में, हमको एक साथ चलना है। दैट वॉज माई फर्स्ट डेब्यू, और मैंने बड़े डरते डरते लाला को कहा कि लाला दिस इज़ द सॉन्ग दैट आई हैव मेड, कंपोज्ड, रिटन, सो कैन यू डू समथिंग, बिकॉज मैं डिपेंडेंट थी, मेरे पास कोई सर्कल नहीं था, मुझे कोई नहीं पता था मैंने किधर जाना है, आजकल का दौर नहीं था, दैट वॉज 90s, कुछ नहीं मुझे पता था मैंने किधर जाना है। और मैंने कहा तुम एक मेल सोसाइटी में रहते हो तो तुम देखो कोई स्टूडियो बुक करते हैं, कुछ करते हैं, मैं हम कुछ ना कुछ अम्मी से पैसे ले लेंगे, कर लेंगे कुछ ना कुछ, तो और आंगन आंगन तारे से मैं कमा भी रही थी, सही. सो आई वॉज मेकिंग द अमाउंट ऑफ मनी विच वॉज बिगर देन, मतलब हायर देन एटलीस्ट वॉट माई मॉम वॉज अर्निंग एट दैट टाइम, तो मैं अपनी अम्मी की स्ट्रेंथ बनी हुई थी उस टाइम, घर को मैंने चलाना शुरू ओह दैट्स कर दिया था, अमेजिंग. या क्योंकि अम्मा कहती हैं कि हाँ तुम मेरा बाजू बनी हो, हाँ व्हेन व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वाज अर्निंग, और मैं वो सारे पैसे ला के अम्मा को दे देती थी कि, और अम्मा जो है ना, मेरे कॉलेज के बाद से अम्मा ने कभी भी कपड़े खुद नहीं खरीदे, मैं खुद ही उनके लिए सब हाँ चीज़ें खुद ही शॉपिंग अमेजिंग. करती थी, एंड दोज लिटिल अचीवमेंट्स वर लाइक यू एंड दैट्स नो सो इंस्पिरेशनल. आई मीन आपको, आई होप सुनने वालों को भी लग रहा हो कि कितनी इंस्पिरेशनल बात है कि एक कॉलेज गोइंग गर्ल. मेरा वो जर्नी बिल्कुल उस तरह का था कि अम्मा ने इतना कुछ किया हमारे लिए, तो मैं इतना सा तो कर दूँ, कुछ तो करूँ मैं, सो अल्लाह का शुक्र है फिर माय ब्रदर बिकेम माय स्ट्रेंथ, वी मेड आर ओन स्टूडियो, हमने खुद पैसे, अम्मा के पास जो पैसे थे, जो मेरे पास थे, हमने अपने स्टूडियो में इन्वेस्ट किए, लगाए, पूरा जर्नी लेके चले, और बस वो चलते गए चलते गए चलते गए। अब नाउ इज़ द टाइम कि अब मेरी लाइफ का एक बहुत टर्निंग पॉइंट आया हुआ है, एब्सोल्युटली. विच आई वुड लाइक टू प्रॉब्ली डिस्कस विद यू थोड़ा सा, मे बी आई डोंट वॉन्ट कि टाइम भी चला जाए और लोग पता नहीं टाइम क्या बहुत है उसको हमारे क्या पास. समझेंगे, क्या चीज़ करेंगे, हाँ पर अब वो टाइम है कि जो मैं थोड़ा सा ओपन अप हो सकती हूँ ऑफ ना। कोर्स. अब ऐसा टाइम है कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है ये, बिकॉज माई ब्रदर हैज़ चोजन हिज ओन पाथ एंड जर्नी, एंड आई एक्सेप्ट दैट एंड आई रिस्पेक्ट दैट, और मेरा तो यही जर्नी है, मैं इस पर अपोलोजेटिक नहीं हूँ, मैंने जो भी किया लाइफ में, जो भी चॉइसेस ली म्यूज़िक से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, वो मैं हूँ, वो मुझे डिफाइन करती हैं, वो सारे बिल्कुल सारे मिस्टेक्स, बिल्कुल. सारे फेलियर्स, वट एवर सक्सेस, वट एवर टर्मोइल्स जो मैं जिससे मैं गुजरी, हार्ट ब्रेक से गुजरी, डिवोर्सेस से गुजरी, बच्चे की अडॉप्शन से गुजरी, लाइफ के लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से गुजरी, अम्मा की पैरालिसिस से गुजरी, सारी चीज़ें मैंने फेस की, बट ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एक
टर्निंग पॉइंट है जिसमें आई फील अलोन बिकॉज नाउ आई एम अलोन, आई एम अलोन नाउ. अब मुझे दोबारा से म्यूजिक बनाना है और मैंने म्यूजिक बनाया है. मैंने अब जो म्यूजिक बनाया है वो इट इज़ नॉट फॉर द व्यूअर्स एंड फॉर द लिसनर्स, इट इज़ फॉर माई सेल्फ. मुझे था कि मैं इतनी डिपेंडेंट हूँ, इतनी मैं स्ट्रिंग्स पकड़ पकड़ के चल रही हूँ, तो अब अगर ऐसा टाइम आ गया है मेरे पे कि आई हैव टू डू एवरीथिंग अलोन, तो मुझे कहीं से स्टार्ट करना है. तो मेरे पास बहुत सारी मेलोडीज और कॉम्पोजिशंस पड़ी हुई हैं, माई ओन रिटन स्टफ दैट आई हैव, बट आई वॉन्टेड टू स्टार्ट अप विद समथिंग जो मैंने विच आई लेफ्ट बिहाइंड एंड दे वर नॉट हाईलाइटेड इन माई प्रीवियस एल्बम्स इन माई प्रीवियस वर्क्स. तो वो सॉन्ग्स थे जिनकी मैंने वीडियोज नहीं बनाई हुई थी, जो बिल्कुल ओवर शेडो हो गए थे ड्यू टू द पॉपुलर सॉन्ग्स दैट आई वॉज डूइंग फॉर पीपल. सो मैंने वो चीज़ की है जो नॉन कमर्शल है. इट इज़ नॉट कमर्शल. राइट. लॉट ऑफ पीपल आर टेलिंग मी दिस इज नॉट अ सेलेबल आइटम्स दैट यू आर कमिंग अप विद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. लेकिन मुझे इट डजंट मैटर. इट डजंट मैटर. अधिका, आपको लगता है कि आप कह तो रही हैं दैट यू आर अलोन नाउ एंड पहले आपके भाई वॉज विद यू एंड यू हैड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर मदर, हु आई थिंक इज सच अ डिफाइनिंग एलिमेंट इन योर करियर, कि एकेडेमिक्स में होते हुए, टीचर होते हुए, उन्होंने आपको एक फाइन आर्ट और एक आर्टिस्ट की तरह यू नो ग्रूम होने दिया और इनकरेज किया कि अपने अंदर का टैलेंट ढूंढना. बट एज एन आउटसाइडर हमें हमेशा ऐसा लगा है दैट हदीका कियानी इज़ द ट्रेल ब्लेजर, द सिंगल वुमन हु इज़ द ट्रेल ब्लेजर, वेदर इट्स गोइंग थ्रू पर्सनल जर्नीज और वेदर इट्स अडॉप्शन, वेदर इट्स योर म्यूजिक, वेदर इट्स द वे यू ड्रेस्ड. मुझे याद है जब दुपट्टा का आया था, इट वॉज लाइक वाओ, एवरीबडी वॉन्टेड टू बी लाइक दैट. Yeah, the long coats. The long coats. And wearing no dupatta. Wearing no dupatta. Wearing no dupatta. Wearing no dupatta was not something. Wearing no dupatta was not something. जिसको मैं कहूँगी कि मैं rebellious थी. नहीं. मैं समझती थी कि अगर मैंने दुपट्टा लेके भी पीछे ही करना है. तो और उसमें भी मैंने रिवीलिंग सा ही लगना है. तो मैं दुपट्टा लेके भी वैसे लग सकती हूँ और दुपट्टा ना लेके भी वैसे लग सकती हूँ. और अगर मुझे कवर्ड लगना है तो मैं दुपट्टा लिए बगैर भी कवर्ड लग सकती हूँ, क्योंकि वो हिजाब आपकी आंखों का है या आप द वे यू कैरी योर सेल्फ. अगर आपने नहीं रिवीलिंग और नहीं आपने इनवाइटिंग लगना तो वो आप वैसे भी लग सकते हैं. बिल्कुल. अगर आपने इनवाइटिंग लगना तो आप पूरा कवर्ड में भी इनवाइटिंग लग सकते हैं. तब मुझे कोई उसमें वो नहीं है. जो लोग दुपट्टा लेते हैं, हिजाब लेते हैं, ऑल माय रिस्पेक्ट फॉर दैट. वो आपकी पर्सनल चॉइस है. बिल्कुल. आपकी इंडिविजुअल चॉइस है. बिल्कुल. शुड बी योरसेल्फ, वेदर यू वांट टू वेयर अ हिजाब, यू डोंट वांट टू वेयर अ हिजाब, दैट्स फाइन, योर पर्सनल चॉइस. आई एम नॉट गोइंग टू जज, नोबडी शुड जज टू. बिल्कुल. लेकिन ये कि मैं मुझे लगता है कि इनर पुश, एवरी डे पुशिंग योरसेल्फ टू डिफरेंट लेवल्स एंड टू डिफरेंट चैलेंजेस is what life is all about. Absolutely. और जो चीज़ें आप नहीं भी सोच रहे होते वो लाइफ में हो रही होती हैं और आपको फेस करनी पड़ रही होती हैं. You said you're sorry, I'm आपकी अब मैं शोज कर रही हूँ जो कि मैं समझती थी कि मैं कभी भी शोज नहीं कर सकूँगी. बड़ी गैप के बाद, right? You coming back to, जबकि you performed everywhere in the world. Because मेरी मैनेजमेंट, मेरा सतून, मेरा पिलर जब अपनी चॉइस खुद ले रहा है तो आई एम लेफ्ट विद नो चॉइस देन टू मेक दिस चॉइस दैट नो, आई एम नॉट गोइंग टू बी लीविंग माई म्यूजिक. आई हैव टू एक्सटेंड माई म्यूजिक, आई हैव टू एक्सटेंड माई आर्टिस्टिक एबिलिटीज एंड गॉड ओपन्स अप अ डोर फॉर मी फॉर एक्टिंग. और वो कोविड के अंदर वो एक मैं बिल्कुल हेल्पलेस सिचुएशन के अंदर हूँ. शोज नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही. ये नहीं कि मैं बिल्कुल जमीन पे बैठी हुई हूँ. ठीक है, हर एक मेरे ख्याल में बहुत बहुत लोडेड लोग भी जो हैं, दे हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ टर्मोइल क्राइसिस कोविड के टाइम में. और उस टाइम मुझे मोमना का फोन आ जाता है और अगर मुझे मोमना एक ऐसा रोल ऑफर करती जो शायद जिससे मैं रिलेट ना करती, तो हो सकता है मैं उस टाइम भी उनको ना करती. बिल्कुल. लेकिन गॉड वॉज सो काइंड कि उन्होंने मुझे वो सकीना का रोल दिया कि आई एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ, आई बर्स्टेड, आई जस्ट टुक आउट ऑल माई इमोशंस थ्रू रकीब से. बिल्कुल. एंड दोबारा कैथारसिस था उसके अंदर. मेरा कैथारसिस था. मेरा ब्रेकआउट वाली सिचुएशन थी मेरे लिए.
बिकॉज मैं लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग एंटिटी हूँ, लार्जर देन लाइफ एंड स्ट्रांग वुमन ऑफ सब्सटेंस, बट नोबडी नोज कि मेरे अंदर कितनी तोड़ फोड़ हुई भी है.